हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 में और एमआर रेडमी नोट 10S में और देखते हैं बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात करते हैं डिस्प्ले से। इन्फिनिक्स की है 6.95 इंच की रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले और MI की जो डिस्प्ले है वो है 6.43 इंच की रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। बात की जाए हार्डवेयर की तो इन्फिनिक्स का है मीडियाटेक का G85 का CPU है 2.0 GHz ऑक्टेकोर का और 12 nm का FinFET और MI का जो प्रोसेसर हो मीडियाटेक का है G95 का CPU है 2.05 GHz ऑक्टेकोर का और 12 nm का FinFET और प्रोसेसर के मामले में MI बेस्ट है। बात की जाए बैटरी की दोनों में सेम है 5000 mAh की मिल जाती है और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात की जाए चार्जर की इन्फिनिक्स में है 18 W का, MI में 33 W का, दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लॉक भी मिल जाता है। बात की जाए बैक कैमरे की इन्फिनिक्स का ट्रिपल जो मैंने 48 का फिर 2 का फिर 2 का, MI का क्वाड में जो मैंने 64 MP का फिर 8 का फिर 2 का फिर 2 का और दोनों का फ्रंट की में सेम है 16 का और दोनों में आपको ट्रिपल सी मिलती है। दोनों की वारंटी है 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। बात की जाए रैम की तो इन्फिनिक्स में 4GB और 6GB की एक्सपेक्टेड है और MI में है 6GB और 8GB की। दोनों की मेमोरी सेम है 64GB 128GB की, दोनों में आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की तो इन्फिनिक्स का एक्सपेक्टेड है 11,999 रुपये, MI का स्टार्टिंग है 14,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।